हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NDA एस्पिरेंट्स की। दोस्तों, आज यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप NDA के द्वारा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो यहां पर आपको NDA का फॉर्म फिल करना होगा। तो NDA का फॉर्म फिल करने के लिए आपके 12th क्लास में कितने परसेंट नंबर होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर कैंडिडेट्स का है और वो हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो क्यों ना बना ली जाए। तो यहाँ पर आज मैं बात करूँगा NDA रूल्स 2024 के बारे में कि फॉर्म फिल करने के लिए क्या रूल आपके यहाँ पर फॉलो करने चाहिए। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप NDA से जुड़ी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं या फिर अन्य भर्तियों से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सही समय पर और बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। कोई भी गलत या फेक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको नहीं देता हूँ, इसीलिए आपको बिल्कुल 100% कंफर्म इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, अब आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि NDA का फॉर्म भरने के लिए आपके 12th क्लास में कितने परसेंट नंबर होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि NDA ने ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आपके 12th में इतने परसेंट नंबर होने ही चाहिए। आपका यहाँ पर NDA ने केवल एक ही क्राइटेरिया रखा है कि आप 12th क्लास में केवल पास होने चाहिए। अगर आप ओनली पास हैं, अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं तो आप NDA का फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आपके कितने ही कम नंबर क्यों ना हो और चाहे आपके कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप केवल पास होने चाहिए तो आप NDA के फॉर्म को फिल करने के लिए 100% एलिजिबल हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली और फाइनल सिलेक्शन तक कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम और इंटरव्यू के जो नंबर हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। 12th के नंबरों के आधार पर यहाँ पर 12th के नंबरों का कोई भी रोल नहीं है, इसीलिए आप केवल पास होने चाहिए 12th क्लास में, चाहे आपका कोई सा भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो, केवल आप पास होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक डिटेल वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।